हेलो, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज एम एस हुसैन और आज हमारे साथ हैं रोहित कुमार, जिन्होंने एससीएस में एससीएस एग्जाम 2024 में 45 रैंक सिक्योर किया है और इनको डीएसपी पोस्ट मिला है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी रही और क्या जर्नी रही, एक एस्पिरेंट से एक जो ऑफिसर बनने की जो जर्नी रही है इनकी, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अभी पूरे अभिमन्यु आईएएस टीम के तरफ से इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा पूरे इनके सेलेक्शन के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड रोहित रोहित जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे हम पूरे अभिमन्यु टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सबसे पहले तो आप बताइए कि जैसे कि अभी क्या, मतलब जब रिजल्ट आपने फर्स्ट टाइम सुना उस टाइम कैसा लगा, और जो रिजल्ट से पहले का लाइफ था और अभी का जो लाइफ है वो कितने चेंजेस आए हैं आपके अंदर? सर जब रिजल्ट सुना उस टाइम तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा लगा। जी तो उस टाइम तो एक सरप्राइज था और वो फीलिंग उस टाइम में सिंक इन होने में टाइम लगा उस बात को, है ना। जी और एक्सपेक्टेड तो था कि लास्ट इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आने वाला है थोड़ी देर में, तो स्क्रॉल करते रहते हैं उस जी वेबसाइट को। तो जैसे ही रिजल्ट देखा और फिर थोड़ा रिलीफ मिला कि चलो जी फाइनली, जिसके लिए ट्राई कर रहे थे अब वो फाइनली वो चीज़ हो गई है। जी और सर जो चेंजेस है वो सबसे बड़ा एक जो है सेल्फ बिलीफ आ जाता है उसके बाद आपके अंदर कि जी हाँ इट इज पॉसिबल। अगर जैसे पहले हमें लगता था कि शायद पता नहीं कौन लोग होंगे, लेकिन फिर हमें अब लगता है कि हमारे जैसे ही होते हैं और आगे भी हमारे जैसे ही होंगे। जी तो सर बिल्कुल सबसे मेंटल बैरियर टूट जाता है। जी। ये आपका फर्स्ट जॉब है? नहीं, मैं इससे पहले सीआईएसएफ में था और उसके बाद अभी मैं करेंटली अकाउंटेंट जनरल हरियाणा में एज अ डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर काम कर रहा हूँ। जी ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जो मैनेज करना, जैसे कि जॉब के साथ मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपने? क्योंकि इसमें आपके एक एससीएस का एक एग्जाम है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ता है, उसके बाद फिर आपको काम भी करना है, तो उस चीज को कैसे जी मैनेज किया आपने? सर, पहले तो अपने दिन को थोड़ा डिवाइड करना पड़ता है कि प्रोडक्टिविटी आपकी कहाँ पर ज्यादा है, तो उसके हिसाब से ऑफिस टाइमिंग्स में अगर जब फ्री टाइम मिलता है उस टाइम में, या फिर जो आने के बाद ऑफिस से या मॉर्निंग में, उस तरीके से सर मैनेज करना पड़ता है। हर दिन फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है, कोई कॉन्स्टेंट तो हो नहीं सकता है। जो लोग वर्किंग है उनके लिए तो जी उन्हें उसके हिसाब से, कभी कभी क्या होता है कि आप छुट्टी पे भी हैं तब भी कुछ काम आ जाता है ऐसा कि आपको देखना होता है। तो सर ये माइंड में थोड़ा ये बैलेंस करके चलना ही पड़ता है। तो दोनों चीजों को डिवाइड करके इक्वली हो जाता है सर। थोड़ा दिक्कत तो आती है बट हो जाता है। और अभी अगर हम लोग बात करें कि जो वैसे तो आप पहले से भी जॉब कर रहे थे, इसके साथ जी साथ आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे थे या फिर सिर्फ एससीएस का पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे थे? सर, पर्टिकुलरली तो मैं यूपीएससी के लिए कर रहा था जी और साथ साथ सर एचसीएस तो था ही, तो एचसीएस के लिए भी प्रिपरेशन चल रही थी। मेनली मेंस में थोड़ा प्रिपेयर ज्यादा किया था जी और यही था सर मेनली, तो दो ही एग्जाम्स हैं। जी तो यूपीएससी का करते करते मतलब कितना लाभ मिला आपको, या फिर यूपीएससी से कितना हटके आपको प्रिपरेशन करनी पड़ी आपको एससीएस के लिए? सर इसमें मुझे लगता है कि बहुत डिफरेंस है दोनों एग्जाम्स में कई जगह पे। जैसे कि प्रीलिम्स है वो काफी फैक्चुअल बेसिस पे आता है एचसीएस में, और यूपीएससी में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेसिस रहता है सर। तो थोड़ा हमारा थोड़ा सा चेंज आ जाता है कि हमें फैक्ट्स देखने होते हैं। बट उसके बाद जो दूसरा मेन हर्डल है वो मेरे लिए सर हिंदी रहा है एचसीएस मेंस में, जी तो वो उसको मेरे को काफी टाइम देना पड़ता है। अभी भी मेरा स्कोर हिंदी में ही कम रहा है, तो वहाँ थोड़ा सा मेरे को अलग से, क्योंकि यूपीएससी में तो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, हिंदी बिल्कुल तो इजीली इजीली निकल जाता है सर। लेकिन जी यहाँ पर क्या होता है कि आपको हिंदी अलग से स्कोर करना है। जी और दूसरा सर जीएस पे भी ये होता है कि एक ही एग्जाम के एक ही पेपर के अंदर सब जीएस के सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, तो जी आपको देखना होता है कि कितनी प्रायोरिटी देनी है जीएस को। जी तो थोड़ा और कुछ इसमें जो डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस भी आते हैं जीएस में, तो थोड़ा वो भी अलग से देखना पड़ता है सर। ये चीजें मेनली और अगर हम लोग बात करें प्रीलिम्स एग्जाम की, यूपीएससी यूपीएससी को छोड़ दीजिए, अगर हम लोग एससीएस की प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो जी उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? सर, उसके लिए जो स्टैटिक सोर्सेज है, क्योंकि एचसीएस में जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो जी जो आपके हाथ में है यू कैन जस्ट कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। तो सर उसमें आपकी जो स्टैटिक रहता है, जैसे वही फॉलो करता हूँ मैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, और एंशियंट के लिए मैं एक ऑनली आईएएस का मटेरियल आता है एक, वो फॉलो करता हूँ। तो मेनली ये रहता है सर। उसके अलावा जीके की जो करंट अफेयर की हरियाणा रिलेटेड पीडीएफ्स होती हैं, अगर वो कहीं से मिल जाती हैं तो वो भी बेनिफिशियल रहती है सर। बाकी सर लूसेंट से थोड़ा साइंस का जो फैक्चुअल रहता है थोड़ा बहुत वहां से कवर अप हो जाता है, जो स्टैंडर्ड साइंस होती है स्टैटिक। तो सर जी मेरे यही मोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं जो उसमें सर देखता हूँ मैं। अगर हम लोग हरियाणा जीके की बात करें तो कितना बड़ा रोल प्ले करता है आपके हरियाणा जीके, हरियाणा जनरल अवेयरनेस की बात करें तो? सर आई डोंट थिंक कि इतना ज्यादा अब प्रीलिम्स में उसका मार्जिन इस बार था,
काफी काफी कम क्वेश्चंस थे और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उसमें ध्यान देने की जरूरत थी। एक पेपर इस तरीके से बनाया था कि हर कोई उसको अटेम्प्ट कर सके, चाहे वो हरियाणा से हो या नॉन हरियाणा हो सर। और अगर हम लोग मेंस की बात करें तो मेंस की क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी? सर मेंस की एक्चुअली जो टाइम था इस बार काफी कम था, जी तो बहुत आइडियल स्ट्रैटेजी तो नहीं रख सकते थे क्योंकि अराउंड 1 महीना था उसके अंदर, और सर मेरा ऑफिस भी होता है तो मैं ऑफिस से भी छुट्टी नहीं ली थी इस बार मेंस में, तो जी मैंने प्रिपेयर किया था। तो सर मेरे तो ये था कि सबसे पहले मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है और अपना ऑप्शनल कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है, तो हिंदी और ऑप्शनल पे मैंने ज्यादा ध्यान दिया। और जीएस में सर हम देखते हैं कि ज्यादातर पिछले 2-3 साल से यहाँ पर पॉलिटिकल पॉलिटी से और इंटरनेशनल रिलेशन से काफी क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा जी ज्यादा फोकस किया है सर साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी और थोड़े पर्सन फेमस जो पर्सनैलिटीज होती हैं, जैसे इस बार स्वामी विवेकानंद और सरदार वल्लभ भाई पटेल पे क्वेश्चन आया था सर, तो ये फेमस पर्सनैलिटीज पे काफी क्वेश्चन पूछते हैं सर, और एक डेटा इंटरप्रिटेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो जी थोड़ा सर ये चीजों को, क्योंकि आप जीएस के एक पेपर में सब कुछ तो नहीं करके जा सकते, तो एक है कि ओवरऑल ब्रॉड आपको नॉलेज रहेगी तो फायदा होगा सर। हालांकि आंसर राइटिंग करना बहुत जरूरी है, मुझे टाइम नहीं मिला था, मैंने एक भी आंसर नहीं लिख पाया था, हालांकि पहले वाला जो काम मेरा करता है अगला सर, अगला क्वेश्चन वही था कि आपके आंसर राइटिंग के लिए क्या किया था आपने? सर वो एक्चुअली क्या होता है, जो हमने पहले किया होता है, मैंने उससे 5-6 महीने तक पहले तक करता था, तो वो तो ऑब्वियसली बहुत रिक्वायर्ड है आंसर राइटिंग, हालांकि वो मेरी कंडीशन नहीं थी कि मैं कर पाऊँ, लेकिन दैट इज मस्ट सर। तो आंसर राइटिंग के लिए मैं क्वेश्चंस लिखता था कुछ एक टाइम फ्रेम के अंदर लिखता था, स्टार्टिंग में तो ऐसे ही लिखता था कि बस आपको कैसा लिख सकते हो, एक बार स्ट्रक्चरिंग समझ में आ जाती है तो फिर टाइम लगाकर सर क्वेश्चंस लिखने की कोशिश किए, तो सर वही रहता है। फिलोसफी जी। और अगर हम लोग बात ऑप्शनल के, कौन सा सब्जेक्ट था आपका? सर मेरा ऑप्शनल फिलोसफी है। तो फिलॉसफी के लिए क्या फिर आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, क्योंकि ये जीएस से थोड़ा सा हटके है, तो हाँ इसलिए। सर, हाँ सर, थोड़ा क्या है कि आपको पता है कि एक पेपर है और आफ्टर 1 दिन में 2 पेपर होंगे, तो सर पहले तो ऑब्वियसली उसको कंप्लीट करना और उसको रिवीजन कर लेना सर अच्छे से, और एक शॉर्ट नोट्स होने उसके लिए आई थिंक ऑप्शनल, कोई भी ऑप्शनल हो शॉर्ट नोट्स होने जरूरी होते हैं सर, जी ताकि के जो फिंगर टिप्स पे रहे जब आप जाएं। और मेरे जो रूम एग्जाम हॉल था सर, वहाँ पे 10 मिनट लेट ही पेपर मिला था, कुछ इश्यू हो गया था, एक क्वेश्चन ही मिसिंग था, जी तो वहाँ पर तो बस ये होता है, वहाँ पर उस टाइम ये स्ट्रेटेजी थी आई हैव टू कंप्लीट द पेपर। तो एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा आइडियल आंसर नहीं लिखना है, एक स्टैंडर्ड आंसर लिख के आपको जितने भी क्वेश्चन है, सपोज 20 क्वेश्चन, तो 20 के 20 को एक जितना रिस्पेक्ट देते हुए निकलना, ताकि आप एक में बहुत ही अच्छा लिख रहे हो और बाकी आपका छूट जाए, बैलेंस बना के सर। जी और अगर हम लोग बात करें जैसे कि इंटरव्यू प्रिपरेशन की, यस तो सर, यस सर, इंटरव्यू प्रिपरेशन, क्योंकि इस बार क्या हुआ था कि यूपीएससी का जैसे 13 था, लास्ट 13 तक हाँ था आपका, और यूपीएससी आपका 16 तारीख को था, तो उसको बिल्कुल मैनेज करना, यूपीएससी की प्रीलिम्स को, उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू भी देना, इंटरव्यू में बहुत कम टाइम देना, फिर आपको बिल्कुल वहाँ पे सर, प्रीलिम्स के लिए रिविजन भी करनी है, फिर ये भी मैनेज करना है, तो उसको कैसे मैनेज किया था फिर? सर उसको पहले तो जैसे ही 28 तारीख को रिजल्ट आया, शायद 28 तारीख को आया था रिजल्ट मेंस का, तो उसके बाद पता था एकदम, पहले अपना टाइट शेड्यूल था कि प्रीलिम्स में क्या क्या करना है, वो अचानक से डिरेल हो गया कि अब आपको इंटरव्यू जो सबसे क्लोज है उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो सर मैंने ये किया कि जो ऐसे जो सब्जेक्ट्स दोनों में मर्ज कर रहे थे, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस है, यूक्रेन रशिया या जो भी बड़े बड़े इश्यूज चल रहे हैं, तो उनको साथ पढ़ता चलूँ, इंटरव्यू के हिसाब से भी पढ़ता चलूँ थोड़ा, या मेरे जैसे मेरे डिपार्टमेंट सीएजी है, तो सी जब मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ तो सीएजी का मैं ध्यान रखूँ कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो सर ये कुछ स्टैटिक चीजें हो गई, उसके बाद जो मेरा इंट्रोडक्शन है, तो मैंने जिस जिस इंस्टीट्यूट में मैंने जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया है, तो वहाँ के बारे में, स्टेट के बारे में, हरियाणा की जो पॉलिसीज हैं, उसको थोड़ा तो सर अलग से टाइम 2 2 घंटे तो निकालने होते हैं, बाकी आपने जो ग्रेजुएशन किया है सर उसके ऊपर, क्योंकि इस इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा वेरिएबल है सर, कई बार डायरेक्ट आपकी ग्रेजुएशन से पूछ ले रहे हैं, तो सर इन चीजों को थोड़ा उस हिसाब से मैनेज करना पड़ा, साथ साथ थोड़ा टफ तो रहता है प्रीलिम्स के साथ। और ये डेफ के ऊपर क्या, कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कि आपके अपने ऊपर पर्सनालिटी के ऊपर कितने क्वेश्चन? सर वैसे तो सर लक बेस्ड है, क्योंकि वहां पर कई बार ऐसा भी हुआ है इस बार काफी कैंडिडेट्स के साथ कि डायरेक्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है कि व्हाट इज योर ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन पे चला है, और सर जैसे इंट्रोडक्शन पूछते हैं तो फिर तो सर जो आप बोलेंगे उसी पे क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली रहेंगे, तो सर जो 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 मेरे मुंह से निकलने वाला है मेरे इंट्रोडक्शन में, सपोज माई ग्रेजुएशन या मेरे जो जॉब एक्सपीरियंस रहा है या फिर हॉबीज हैं, तो सर उस पर काम करना बहुत जरूरी है, आपको वही बोलना चाहिए जिसपे आप अच्छे से कमांड कर सकें, जी यही है सर मेनली। तो डैप तो वैसे है, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप जब इंटरव्यू हॉल में गए थे उस टाइम, कुछ ऐसा इंसिडेंट जो हम लोगों से शेयर करना चाहो? हाँ सर वैसे मतलब जो लिस्ट आई थी तो उसमें सबसे पहले तो ये था कि मेरा इंटरव्यू 12 बजे के बाद सेकंड नंबर था, तो मुझे लगा स्टार्टिंग में हो जाएगा,
लेकिन सर वहाँ इतनी गर्मी थी, ब्लेजर ब्लेजर लेके गए थे, तो मेरा लेकिन लक ऐसा था कि सेकंड लास्ट आया मेरा इंटरव्यू। तो सेकंड लास्ट टाइम हुआ जी आपका? जी जी और सर जो मतलब एक थोड़े दिनों में ट्रांसक्रिप्ट शेयर हो ही जाती हैं, तो पता लग जाता है कि एक दो इंटरव्यूअर ऐसे हैं कि जो बहुत ज्यादा ग्रिल करते हैं, तो वो मुझे पता लग गया था कि मेरे साथ ऐसे ही होने वाला है। तो सर एक पहला तो ये था, तो सर उसके मुझे ये था कि मुझसे जॉब रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि जो जो नई वर्क करते हैं उनसे मेनली ग्रेजुएशन बेसिस ज्यादा फोकस रहता है। तो लेकिन मुझे ये था कि जॉब रिलेटेड होंगे, हॉबीज रिलेटेड होंगे, बट सर उन्हें पता लग गया कि ग्रेजुएशन करे बहुत टाइम हो गया, तो सर मेरा पूरा इंटरव्यू ग्रेजुएशन पे ही चला। तो मैंने बीटेक किया है, लेकिन उन्होंने बीटेक के क्वेश्चन पूछे, तो वो बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए ना। तो उन्होंने मुझसे नॉन स्टॉप बीटेक के ही क्वेश्चन पूछे, और ठीक है वो उन्होंने फिर कुछ और भी एनालाइज किया ही होगा मेरे बारे में। तो एनालिटिकल क्वेश्चन भी थे, वो इजी मुझे लगे, लेकिन थोड़ा तो जब बीटेक पे क्वेश्चन आए, पुराना हो गया था, काफी टाइम हो गया पढ़े, तो सर थोड़ा वहाँ पे दिक्कत होती है। तो और आप सर कितने दिन से प्रिपरेशन कर रहे थे आप? अराउंड जो सीरियस प्रिपरेशन कहूंगा मैं उसको, अराउंड 3 साल, 2.5-3 साल हो गए। जो सीरियस प्रिपरेशन मतलब जिसमें आप आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, प्रॉपर सब उसको यूज भी कर रहे हैं, तो 2-2.5 साल सर सीरियस प्रिपरेशन करते हुए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो 2.5 साल, 3 साल, 4 साल हो गए हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उनका प्रीलिम्स निकलता है लेकिन मेंस नहीं निकल पाता है। बहुत बार ऐसा होता है जिसमें इंटरव्यू तक पहुंचते हैं लेकिन बाई चांस नहीं हो पाता है। तो वैसे एस्पिरेंट्स को मतलब अगर कोई मैसेज देना चाहो तो क्या दोगे आप? सर पहले तो सबसे बड़ा जो है आपको सेल्फ बिलीफ रखना बहुत जरूरी है, जी और ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि एचसीएस हो, क्योंकि मैं सर पिछले बार भी मेंस में हिंदी में फेल हुआ, उससे पहले भी हिंदी में फेल हुआ, जी तो और वो मुझे पता नहीं था। वो जब मार्कशीट आई तो दोनों का स्कोर एक साथ आया, तो जब तक अच्छा पता था तो मैं बड़ा बड़ा सरप्राइज था कि मैं 2 बार एक ही चीज में अटक रहा हूँ। और तो सर उस टाइम एक बार लगा कि क्या पता एचसीएस मेरे लिए नहीं है, और शायद मैं इस नहीं कर पाऊंगा जैसे इसका एग्जाम का स्ट्रक्चर है। बट लेकिन सर सेल्फ बिलीफ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सेल्फ बिलीफ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा सर। उसके बाद दूसरा हार्डवर्क तो नो डाउट आपको कंसिस्टेंटली करना है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं करना है अपने आपको कि एक दिन में बहुत ज्यादा पढ़ लूँ, आप एक बैलेंस बनाए। इट्स लाइक अ मैराथन, कहते हैं ना कि मैराथन की तरह है सर, आपको स्प्रिंट नहीं मारना है, क्योंकि एग्जॉस्ट हो जाएंगे फिर। तो जी थोड़ा 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 एक कॉन्स्टेंट अपना स्पीड बना के चलते रहिए, और चीजों को रिसोर्सेज को बहुत एज पर माई एक्सपीरियंस बहुत बेसिक रखना है, बहुत कम रिसोर्सेज रखने हैं। कम रिसोर्सेज रख के उसको मल्टीपल बार रिवाइज करेंगे ना, तो सर तभी फायदा होगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में सर दिमाग में खासकर मेंस में कुछ नहीं आएगा, आप ब्लैंक हो जाएंगे, और अगर आपने मल्टीपल एक ही चीज को रिवाइज किया तो सर आपके टिप्स पे बहुत जल्दी आएगा। तो जी सर मैं कहूंगा कि लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड जो मेंटर्स होने चाहिए, बट मेंटर्स भी आप लिमिटेड रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा जब आपको इनपुट्स मिलते हैं तो सर आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं सर कई बार ना। बिल्कुल बिल्कुल इन सब चीजों को सर थोड़ा सा ऐसे रखें, और आंसर राइटिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मतलब मेंस तो मेन गेम है सर, तो आपका मेन अच्छा होना चाहिए। और आपके वीकनेस, मुझे पता है मेरी हिंदी वीकनेस है, तो सर उस पर काम करना बहुत जरूरी है, ऐसे सबकी कुछ ना कुछ होती है सर, तो जी इस मतलब तरीके से काम करना है। अपने वीकनेसेस को पहचान के फिर उसके ऊपर काम करना। जी, सर वही है कि हम किसी किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, आपको अपने अंदर ही देखना पड़ेगा, और आपकी लड़ाई अपने आप से ही है, आप यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ, तो आपको अपने आप ही अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। बाकी आपकी स्ट्रेंथ्स को आप लेके चलिए, उसको भी रखना जरूरी है, बट वीकनेस पे बहुत जरूरी है काम करना। मैं और एक सवाल, लास्ट सवाल है ये मेरा कि जैसे कि अगर जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं जो अभी जस्ट स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, क्योंकि हम लोग जब प्रिपरेशन करते हैं 1 साल 2 साल होने के बाद हमें पता चलता है कि ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें। आप अभी पहुंच चुके हो, आपने सारे हर्डल्स को पार किया है, तो जैसे नया एस्पिरेंट्स होता है जो फर्स्ट टाइम देगा यानी फर्स्ट अटेम्प्ट देगा या फिर अगले साल वाला देने वाला है, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है उसमें, तो क्या क्या किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए उनको? सर सबसे पहले तो मैं कहूंगा जो एक स्टैंडर्ड बेसिक सोर्सेज होते हैं, आपको उसको कवर अप करना बहुत जरूरी है, चाहे आप कहीं से भी कीजिए, चाहे किसी इंस्टीट्यूट से कीजिए, चाहे अपने आप कीजिए, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन आप एक बार आपने अपना रिसोर्स डिसाइड कर लिया है, उस पर स्टिक कीजिए, उसके बाद आप उसके ऊपर मॉक्स लगा के देखिए कि आप जो रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हैं उससे कितना इनपुट आ रहा है, कितना आउटपुट आ रहा है आपका, है ना। तो इस चीज को आप स्टैटिक रिसोर्सेज को सबसे पहले आप अपना रख लीजिए, और उसको फिर रिवाइज करते चलिए, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। उसके बाद सर अपने आप को एनालाइज करना और टेस्ट करना बहुत जरूरी है, चाहे आपका प्रीलिम स्टेज है या मेन स्टेज है, और थोड़ा थोड़ा जो कहते हैं न्यूज़पेपर को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में सर आपका ब्रॉड एक होराइजन होना चाहिए, जब आप बात करते हैं इतने बड़े लोगों के साथ, तो आप थोड़े मेच्योर साउंड करने चाहिए। तो सर ये चीजें हैं सबसे पहले। दूसरा चीज ये है कि लाइफ को एंजॉय भी करना है साथ साथ, कि लाइफ को एकदम ये नहीं बना लेना है, क्योंकि बड़ी बड़ी जर्नी है सर ये, आप बहुत जल्दी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो आपको स्पोर्ट्स है, फिजिकल एक्टिविटीज है, अपनी फैमिली से बात करना है, दोस्तों से बात करना है,
और पढ़ना तो है ही है ऑब्वियसली, तो जी एकदम से अपने आप को आइसोलेट नहीं कर लेना है, सबसे बड़ी बात तो ये है, जी और एग्जाम ही ट्रीट करना है सर इसको, तभी आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप लास्ट दिन तक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बट एग्जाम वाले दिन सोचिए कि नो एग्जाम इज बिगर देन लाइफ, उस दिन आप ये लेके चलिए, क्योंकि सर ज्यादा प्रेशर बिल्डअप करने से नुकसान ज्यादा होगा सर, तो बिल्कुल यही है सर। बाकी सेल्फ बिलीव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगेन। जी। थैंक यू रोहित जी, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया, थैंक यू और सो मच सर, जो भी इनपुट दिया है आपने, बहुत चीज़ें हैं जो सीखने लायक हैं, और जो भी देखेंगे इस वीडियो को जरूर सीखेंगे उससे, एंड हमें थैंक यू टाइम सो मच, देने के लिए उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर आपके इंस्टीट्यूट को, और मैं सभी एस्पिरेंट्स को भी बेस्ट विशेष कहना चाहूंगा, यस सर, और लगे रहिए, मेहनत कीजिए और सेल्फ बिलीव रखिए, और लेकिन लाइफ को एंजॉय भी करते रहिए। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, ओके, थैंक यू।